हेलो मैम। हेलो मैम, विट वाइप्स से क्लीन करेंगे सबसे पहले। अगर आपके पास टाइम है तो आप फेस वॉश करिए, पीछे और कुछ लगा दो सपोर्ट के लिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। आज कौन सा मेकअप? आज ब्राइडल ग्लॉसी मेकअप रहेगा। जैसे कोई ब्राइडल चाहती है ना कि उनका मेकअप बहुत ग्लोई करता रहे, एकदम शाइन करता रहे, तो फिर आज वो वाला मेकअप करने वाला है। ओके। सबसे पहले फेस क्लीन करेंगे। कितना भी क्लाइंट बोलते हैं कि आपका हमने फेस करके फेस वॉश करके घर से आए हैं, लेकिन फिर भी उनके घर से आने और आपके सैलून तक की जो दूरी होती है उस बीच भी काफी ज्यादा डस्ट वगैरह लग जाती है, तो डायरेक्ट आपको उसके ऊपर मेकअप नहीं करना है, पहले क्लीन करना ही करना है। और जैसे कि हम जब रियल ब्राइडल करते हैं, आज ये मान के आप चलना कि हम रियल ब्राइडल ही जो है कर रहे हैं और आप लोग रियल ब्राइडल देख रहे हैं, तो आज हम सब कुछ जितनी भी चीजें करेंगे वो सब पूरा हम गले में, हर चीज, कान में, सब जगह हम करेंगे। अभी लास्ट में इसी से लिप पर क्लीन कर लेंगे। ये आवाज कैसे बंद करो? आवाज बंद कर लीजिए। ठीक है, तो पूरा फेस क्लीन हो गया है। आई के पास अगर है तो आई भी क्लीन कर लेंगे। लहंगे में टिश्यू लगाओ, लहंगे वाले ब्लाउज में टिश्यू लगा दो, बटन कोई मत बंद करो बस। क्या हुआ, गला बड़ा है क्या? तो अभी हम टोनिंग करेंगे, टोनर लगाएंगे। प्लम का टोनर लगा रहे हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप टोनर लगाइए। क्लींजिंग टोनिंग आप जो चाहें वो करिए प्लस, लेकिन आपका जो ये ग्लॉसी मेकअप है ज्यादातर हम ड्राई स्किन पर करते हैं। करने को हम कोई भी स्किन टाइप पर कर सकते हैं, पर जैसे ड्यूई मेकअप हो गया, ग्लॉसी मेकअप हो गया, ज्यादातर हम जो है ऐसी आई स्किन पर करते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, नॉर्मल होती है, जो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी मेकअप ज़्यादा समय के लिए टिकता नहीं है।
वैसे भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है ग्लॉसी मेकअप, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मैट मेकअप नहीं होता है। यहाँ पे टोनिंग किए हैं, टोनिंग थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। यहाँ पे आज हम लगाएंगे एम्ब्रोडिश का मॉइस्चराइजर। मिलाने का मॉइस्चराइजर निकाल, वो प्राइमर निकालो। जब हम ग्लॉसी मेकअप करते हैं तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं जो हमारी स्किन को मैट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब ग्लॉसी मेकअप कर रहे हैं, चाहे हमारी स्किन ऑयली ही हो, लेकिन हमें जो है मैट प्राइमर नहीं लगाना। यहाँ पे मॉइस्चराइजर एम्ब्रोडिश का ही मॉइस्चराइजर है, अच्छे से हम लगाएंगे। सारे प्रोडक्ट ड्राई स्किन वाले पे लगाएंगे। हाँ, ड्राई स्किन वाले। जैसा हमारा जैसे हमने पहले बताया था क्रीम, अगर हमें बहुत ज्यादा ड्यू मेकअप करना या ड्राई स्किन पर करना, वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी जाएंगे। हमारी स्किन क्या हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। अब इसके साथ जब हम कुछ भी चीजें करेंगे तो हमारा जो बेस है वो फटेगा नहीं, प्लस ग्लो करेगा। अभी क्या है कि अगर मुझे हल्का सा प्राइमर की जरूरत होती तो ये मेरा कर देता, लेकिन अभी क्या है कि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग इसको बनाना है। फाइन लाइंस अगर रिंकल्स हैं उनको भी दूर करना है, तो ये हमारा यहाँ पे हाइड्रेटिंग जो है, हाइड्रेटिंग प्राइमर होगा, रेडिएंट प्राइमर होगा। तो यहाँ पे आप जो है, ये मिलाने का है, मैं ये लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रोबिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, ठीक है। ग्लॉसी मेकअप के लिए स्ट्रोबिंग क्रीम लगा सकती हैं, या कि जो है वहाँ पे लिक्विड है वो दे, दोनों है ना लिक्विड पीछे जल्दी दबाओ उनके चलते। मैम किसी को स्पीकर खुला है क्या? क्या चीज? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे यहाँ ही थोड़ा सा काम लगा हुआ है ना, तो उसकी वजह से वो उधर से आवाज आ रही है, किसी का माइक नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे आप एक तरीके का, आपके पास कोई भी ऐसा जो है मॉइस्चराइजर नहीं है जो बहुत, एक नॉर्मल ही मॉइस्चराइजर है, जैसे कि अभी मेरे पास एम्ब्रोलिस का था, वो भी अच्छा मॉइस्चराइजर था, और ये मैं प्राइमर जो है हाइड्रेटिंग है। तो अगर आपके पास ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो रेडिएंट वाली है, जैसे हमने बताया कि अगर आप ड्राई स्किन के लिए या ग्लॉसी मेकअप कर रही हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसा रेडिएंट या स्ट्रॉक क्रीम या कुछ ऐसा लिक्विड सा जो साइन वाला हो वो होगा, तो आपका मेकअप ज्यादा अच्छा होगा। वो नहीं है तो इस तरीके से, जैसा हमने उस दिन लिया था, इस तरीके की आपके पास, जैसा मेरे पास ये बहुत ज्यादा गोल्डन हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा सिल्वर, मैं थोड़ा सा दोनों को लूंगी और अपने इस प्राइमर के साथ, जो हमारा हाइड्रेटिंग प्राइमर है, इसके साथ स्ट्रॉप क्रीम भी डायरेक्ट लगा सकती है। मैं एक हैक बता रही हूँ कि अगर ग्लॉसी मेकअप कर रही हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा आप प्राइमर लेंगी, बहुत थोड़ा सा इल्यूमिनेटर है जिसके पास, वो ये चीज नहीं करेगा। इस तरह से थोड़ा सा इसको लेंगे, बहुत थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैंने भेजा हुआ है। इन दोनों को लेकर बहुत अच्छे से हटा लो, कलर हटाओ। हाँ, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखो ये बीच का हल्का सा गोल्डन हो गया,
और इस प्राइमर के साथ मिक्स करते हुए प्राइमर के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब मिक्स करने के बाद ये का प्राइमर चल जाएगा, ऑयली वाला। हाँ इस तरीके ऑयल वाला, ऑयल वाला चल जाएगा मैम। हाँ इस तरीके से आपको वो कहाँ रखें पूरे फेस पे लगा देना। अभी आप देखोगे कि पूरी स्किन बहुत अच्छी सी शाइन करने लगेगी अच्छे से, प्लस जो हमारा प्राइमर का काम होगा वो भी हो जाएगा, प्लस हमारा जो लिक्विड हाइलाइटर था वो भी हो जाएगा। अगर एल्यूमिनेटर है किसी के पास तो यहाँ पे वो डायरेक्ट एल्यूमिनेटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मिक्स किया कि किस तरीके से आप मिक्स कर सकती हैं अपने प्राइमर में, अगर आपके पास इस तरीके का लिक्विड है, क्योंकि डायरेक्ट लगाएंगे। मैंने इसको पतला किया लिक्विड दिख रहा है कि हेलो एवरीवन। हेलो मैम जी, देखो हमने इसको पतला किया। अगर आपके पास एल्यूमिनेटर है तो डायरेक्ट लगाएंगे, एल्यूमिनेटर नहीं है तो आप इस तरीके से आपके अपने प्राइमर में मिक्स करके कोई भी लिक्विड है, क्योंकि अगर हम पूरा लगाते डायरेक्ट तो बहुत ज्यादा हो जाता, हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बस हल्का सा साइन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे पूरा फेस जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे साइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, प्लस हमारा जो प्राइमर का काम था वो भी हो चुका है। अब हम कुछ सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद अब हम अपना अगला स्टेप्स करेंगे, कलर करेक्शन। उसमें टिश्यू वगैरह का ट्रॉली में, हाँ टिश्यू। देखो यहाँ पे इनके फेस पर क्या है ना, आप देखोगे तो इनके फेस पर प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ना के बराबर है, लेकिन जैसा कि हम ब्राइडल कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो है हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम। हल्दी वाले फेस में जब ब्राइडल करते हैं तो मेकअप काला पड़ जाता है। हाँ तो इसीलिए ना हमने जैसे उस दिन बताया था कि पर्पल कलर का हल्दी मेकअप जो है, हल्दी अगर येलो कलर की स्किन है उसके ऊपर डायरेक्ट करेंगी तो वो कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पर्पल कलर लगाकर फिर उसके बाद स्किन टोन का कंसीलर करके फिर आपको जो है यहाँ पे लगाना है, आगे फिर फाउंडेशन लगाना। अभी क्या करेंगे हम, जैसा हमने बताया ना कि हम कर रहे हैं ग्लॉसी मेकअप, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होगा, क्रीम होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट क्रीम ही है, जहाँ पे अनइवन स्किन टोन है थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पे ये थोड़ा सा पिच कलर है हल्का सा, हल्का सा स्किन टोन से साइड हल्का सा पीछे, तो जहाँ पे डार्कनेस है हल्की सी वहां पर हम यहाँ पे ज्यादा कलर करेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी नीड है ही नहीं है, जरूरत नहीं है इतना बहुत ज्यादा कलर करेक्शन या कुछ करने की। वो थोड़ा सा पर्दा खोलना चाहिए, ठीक है। उधर घुमा लीजिए दीदी रोशनी में। चलो देख रहे हैं कल का, इसमें वीडियो में सही आ रही है, इसमें नहीं तो छोड़ दो। मैं नहीं करूँ तो। हाँ बोलिए ऊपर देखो। अब मैम इनकी कूल अंडरटोन है, आप पिच क्यों लगा रही है? थोड़ा सा नहीं, कूल अंडरटोन नहीं है, हल्का सा पिच ना दोनों पे जाता है, ये पिच नहीं है पूरी तरह के, स्किन टोन से थोड़ा सा मैच करता हुआ है,
लेकिन ये येलो से टाइप नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें क्या है कि जैसे रेडनेस है, ऑरेंजेस है और प्लस पीच साइड में, तो ये जो है हमारी स्किन नॉर्मल हो पीच साइड के हम प्रोडक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, इससे हमारा करेक्शन हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी स्किन टोन से मैच, इनकी जो ये वाली स्किन टोन है ना इसी तरीके से ये कलर है थोड़ा सा मैच करता हुआ, इनका जो अंडर टोन है वो थोड़ा सा बहुत वार्म नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रल साइड में है लेकिन ग्रीन है, तो ये इस तरीके से है वार्म अंडरटोन की है, लेकिन यहाँ पे इनका डल है और ये वाली स्किन से ये वाला टोन मैच कर रहा है, इसके ऊपर हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे, हम कुछ और अलग नहीं करेंगे, हमने इसको यहाँ पे इसलिए लगाया कि यहाँ पे हमारा जो कलर है वो चेंज ना हो, इसको हमने सेम इस कलर से इस मैच करता हुआ लगा दिया है और इसके बाद हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे, अब यहाँ पे हम कोई और कंसीलर नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ऑरेंज नहीं किया, अगर मुझे ऑरेंज करती तो एक टोन और लगाना पड़ता इसको छुपाने के लिए ऑरेंज को, लेकिन हमने ये थोड़ा सा इस कलर का लगाया ताकि हमें छुपाना ना पड़े। स्किन टोन जैसा है ना, ब्यूटी ब्लेंडर छोटा वाला देखिए, ये स्किन के साथ मैच हो रहा है अच्छे से, अब जो यहाँ पे भी थोड़ी सी भी डलनेस थी तो वो इसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है, अब जो फाउंडेशन लगाएंगे ना और इससे क्या है हमें लेयर टू लेयर भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इवन स्किन लग रही होगी एक बराबर, थोड़ा सा सामने से दिखाओ और सामने से दिखाओ इस तरीके से, क्या यार ऐसे घुमा दो क्या वो हा? वाली लाइट ने एकदम नेचुरल दिखी है, थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लीजिए, कर लो फिर ये तो हटा लो, जाओ दरवाजे के सामने, हाँ यहीं यहीं पे रखो, घुमा लो यहीं पे, हाँ बस बस तुम इधर लेके खड़ी हो जाओ, डाल दिए थे आप देखिए, नहीं यार है वो उसके लिए ज्यादा लाइट चाहिए, इसके ऊपर पड़ नहीं रहा, इसको जलाया था सही, अब दिख रहा है आप लोगों को? यस इसमें अभी मेरे पास अब ये है फाउंडेशन फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है, ये है ड्राई मेकअप के लिए, ठीक है ड्राई मेकअप के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, तो ये आराम से आपका ग्लॉसी मेकअप पर जाएगा, लेकिन इसका जो नंबर है वो 3 है,
तो आपको 003 FLF003, तो ये शुरू का नंबर सब में रहता है, ये लास्ट वाला नंबर देखना होता है 003 का। तो ये 003 है या आपका डार्क स्किन टोन के लिए है। इसमें 006 आता है वो आपका फेयर स्किन टोन का है। तो आप लोगों को लेना है अगर आपको ग्लॉसी मेकअप करने के लिए इस तरीके से, तो ये आप जो है इसका 6 नंबर लेंगी, 6 नंबर और 3 नंबर लेंगी, इन दोनों को मिक्स करेंगी तो बीच का टोन निकलेगा, और 6 नंबर को डायरेक्ट लगाएंगी तो वो फेयर होगा, और इसको डार्क स्किन पर लगा सकती है। तो अभी हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें फेयर कलर नहीं है। हम यहाँ पे यूज करेंगे एले गर्ल का ये वाला फाउंडेशन, ठीक है, HD फाउंडेशन, एले गर्ल का HD फाउंडेशन। ये हमारा थोड़ा सा हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम जो है एले गर्ल का प्रो कंसीलर जो है कवरेज का HD अभी काटते हाँ। तो ये हम फाउंडेशन, ये हमारा क्या करता है, ये ड्राई नॉर्मल स्किन के लिए है, और हमें ये एक साइन मिलती है, एक डुई फिनिश मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला करेंगे, पर इसमें हम थोड़ा सा जो फाउंडेशन है ये फेयर सेट का है, तो डायरेक्ट इनके ऊपर फेयर सेट नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें अपना ये वाला, जैसे हमने बताया कि डुई का डुई में ही मिक्स करना चाहिए, ड्राई वाले फाउंडेशन ड्राई में, तो हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत हल्का सा, नहीं इस तरीके से देखेंगी तो ये मैच कर रहा है स्किन के साथ, बहुत पतला है ये, बहुत ज्यादा लेयर नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। ये देखिए इसके साथ मिक्स किया है, और हल्का सा ये जो फाउंडेशन है थोड़ा सा कम वार्म की साइड था, तो इसीलिए ये कूल वाला मिलाने के साथ वार्म भी बन गया है। इस तरह से हम पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, जो आपका ड्यू मेकअप होता है ज्यादातर वो पतला होता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, उसमें बहुत आपके लेयर्स नहीं बनती, आपका मेकअप केकी नहीं होता है, फटता नहीं है, और काफी नेचुरल सा लगता है। जो मैट मेकअप होते हैं थोड़े से हैवी लगते हैं क्योंकि उनकी कवरेज 52 में ऑयली स्किन के लिए भी आता होगा ना। हाँ, ऑयली स्किन, इसको आप ऑयली पर भी कर सकती हैं, लेकिन कवरेज उतनी नहीं मिलती है ना, तो इसको आप पहले एक अच्छा कवरेज वाला फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर ये वाला दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप जो है ऑयली पर नहीं कर, अभी इस सीजन में कर सकती हैं, गर्मियों में नहीं करिएगा। इसका एक और प्रो HD करके आता है, उसको आप ऑयली स्किन टाइप पर कर सकती हैं, जो कि हमने ग्रुप में भेजा हुआ है, या तो आज शाम तक फिर एक बार भेज दूंगी। हल्का सा और इसमें मिलाएंगे जो थोड़ा सा बाकी था मेरा, तो उसको हम गले में लगाएंगे इस तरह से। आज हम कर रहे हैं ग्लॉसी मेकअप कर रहे हैं, HD ब्राइडल जो है, एक तरीके से इसको हम पूरा HD मेकअप भी बोल सकते हैं, ग्लॉसी मेकअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम, एक फेस के लिए कितने ड्रॉप फाउंडेशन लेना चाहिए? ड्रॉप नहीं होता ये, जैसे पंप होता, अगर एक फुल पंप लेती कम से कम एक ब्राइडल के आपको 2 पंप लेने की जरूरत पड़ती है, ये इस तरीके का है, पूरा एक बार पंप करेंगे फिर दोबारा पंप करेंगे, 2 पंप में हो जाता है। से इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करें, बहुत लाइट लाइट हाथ से।
आप इसको देखोगे तो ये बहुत साइन कर रहा है, जबकि नॉर्मली इतना साइन और जो फाउंडेशंस होते हैं वो नहीं करते हैं। आज हम फेस के साथ आपका लिप और आई दोनों जो है काफी ज्यादा साइन करेंगे, ठीक है? तो अभी आप देखोगे आपका बेस बहुत ज्यादा साइन कर रहा होगा, सबको दिख रहा है कि नहीं? और अब यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा हल्का सा, जैसे अभी हम क्या लेंगे, फाउंडेशन लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत लाइट कलर का भी मुझे कंसीलर नहीं याद आया, लाइट कलर का है मेरे पास पर वो मैट कंसीलर है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं वही सेम फाउंडेशन लूंगी, सेम फाउंडेशन लिया ये वाला, इसके साथ हम थोड़ा सा फेयर कलर का अपना ये वाला जो है हम यूज करेंगे, ठीक है? ये भी एले गर्ल का है, फेयर फाउंडेशन है। तो हम अपना वो इसको हम वहां पे लगाएंगे जो मेरा फेयर वाला एरिया होगा, तो इसके साथ हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पर ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, जैसे पिच साइड में जा रहा है, तो हल्का सा इसके साथ हम जो मिक्स करेंगे वो येलो मिक्स करेंगे। सिर्फ कलर को मिक्स करने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है? सिर्फ हल्का सा कलर को करने के लिए हम यहाँ पे येलो कलर करेंगे, ताकि हमारा कलर चेंज ना हो। डालो इसमें थोड़ा सा कलर। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये पीएसटी के कलर, व्हील के कलर, जो हम लिपस्टिक का कलर चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, लिपस्टिक का कलर भी चेंज करने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा पीला कलर मिला दिया है, बहुत हल्का सा मात्रा लिया था। अब ये हमारा जो फाउंडेशन होगा ये पूरी तरीके से हमारा येलो स्किन टोन के लिए बन गया है। नहीं तो अभी तक क्या था, थोड़ा सा पिच साइड में था, तो वो भी खराब नहीं था, पर क्या होता हमें एक चमक नहीं मिलती फेस पे, जो हम चाहते मनचाहा वो नहीं मिलता। तो अभी इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने उस हाईलाइट एरिया पे ही लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। तो आप इस तरीके से फाउंडेशन से भी हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंसीलर ही हो तभी आप करेंगे। देखो जो फाउंडेशन इसमें बचा, इसमें अच्छे से अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को जो भी एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करा लेंगे, ताकि हमारा स्किन वाला जो है प्रोडक्ट वो ना हटे हमारे स्किन फेस। बहुत लाइट लाइट हल्का हल्का हाथों से इसको, इससे हमें क्या हो रहा है, कवरेज भी मिल जा रही है थोड़ी सी ज्यादा, और हमारा हाईलाइट एरिया भी हाईलाइट हो जा रहा है, और प्लस हमारे फाउंडेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। दो कोड हो चुका है, क्योंकि वो एक ही कोड था और काफ़ी पतला होता है, तो इस तरह से हमारा जो बेस होगा वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा और अच्छी कवरेज, और एक फेस भी अच्छे से लिफ्ट हो गया। अब इसी को हम पूरे फेस पर इस ब्लेंडर को कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना पाउडर अभी नहीं करेंगे। देखो अभी क्या है कि जैसा हमने बताया, पाउडर के साथ हम कभी भी क्रीम के साथ पाउडर को, जब हमें एक के ऊपर एक नहीं अलग अलग चीजें करनी होती है, जैसे क्रीम का क्रीम कर लिया फिर हम पाउडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम इस तरह करें कि पहले इसको पाउडर से सेट कर दें फिर इसके ऊपर कुछ और लिक्विड से करें, तो यहाँ पे अभी हम कॉन्टोर करेंगे, क्रीम कॉन्टोर करेंगे और उसके साथ हम क्रीम हाईलाइटर भी करेंगे। जब हम ग्लॉसी मेकअप करते हैं तो पाउडर को, मैट चीज को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं।
हुडा ब्यूटी का क्रीम वाला कंटूर। जैसे मेरे पास ये भी है लेकिन ये बहुत डार्क स्किन टोन के ऊपर जाएगा, अभी जैसे फेयर कर दिया है तो इनके ऊपर, जैसे अभी इनसे थोड़ा सा मीडियम टोन की होती तो उनके ऊपर ये वाले कलर से हम कर सकते थे, पर इनके ऊपर नहीं जाएगा, ये ज्यादा डार्क हो जाएगा। ये सारे फाउंडेशन बंद करके रख दो, फाउंडेशन की जरूरत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे नोज इनकी ऑलरेडी बहुत शार्प है, पतली है, लेकिन क्या है कि जैसे जब हम मेकअप करते हैं तो सब पूरा वो हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत हल्का हल्का करेंगे इस जगह पे। क्रीम है ये हमारे पास, क्रीम है, ठीक है, ये है हुडा ब्यूटी का है लेकिन नायका वगैरह का, और हम इसको भेजेंगे, सॉरी ये उसका है, क्या बोलते हैं, हाँ हुडा का ही है, आपको हम और किसी अदर ब्रांड का भेजेंगे, ये 3000 के आसपास का है लगभग, 3-3.5 का, तो ये महंगा पड़ता है पर चलता बहुत है, तो फिर हमने लिया था, फिर आप लोगों को और कोई ब्रांड भेजेंगे, अगर आप लोग ले सकते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रीम या स्टिक वाले जो फाउंडेशन, अगर आपके पास स्टिक, अगर आपकी डार्क कलर की है तो आप उससे भी कर सकती हैं, मतलब क्रीम आपके पास या स्टिक वाले प्रोडक्ट से भी आपको ये चीजें करनी है। मैम क्रायलॉन की पैलेट में आती है, उससे भी कर सकते हैं ना? हाँ उससे भी कर सकते हैं। फोरहेड ऑलरेडी छोटा है लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, ये वाला एरिया थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से भी थोड़ा सा हम करेंगे। अभी देखो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि अगर कोई चीज हमारी चौड़ी भी लग रही है तो हम उसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर इसमें देखोगे तो एक एरिया आपको थोड़ा सा दबा, बीच में रखो थोड़ा सा ऐसे, ये ज्यादा खुला दिख रहा है, जहां पे आप डार्क कलर लगा दोगे और थोड़ा इधर सेंटर में, हाँ, तो इस साइड वाला क्या होगा, एरिया कट जाएगा, तो क्या होगा वो थोड़ा सा आपका ओवर लगने लगेगा, नहीं तो वो एरिया जब दिख कर आएगा तो बहुत फेस चौड़ा चौड़ा सा लगेगा ना, तो इसलिए मैं दिखाने के लिए आपका इधर साइड से भी कट कर रही हूँ। और जैसे कि इनका इधर निकला है तो इधर को काट दे रही हूँ, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी फेस का जो शेप है वो छोटा है और फोरहेड भी ऑलरेडी छोटा है, उसमें कुछ नहीं करेंगे, इस साइड से थोड़ा सा करेंगे ताकि हमारा फेस उधर से बहुत चौड़ा ना दिखे, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, हम बाहर की साइड बैंड करेंगे। अब इसमें देखेंगे जो साइड हम यूज कर रहे हैं या दूसरा अलग से, आपके आपको एक अलग से ब्यूटी ब्लेंडर रखना है इसको ब्लेंड करने के लिए, मिक्स नहीं करना है। देखो अभी क्या है ना कि जैसे आप लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, इस तरह से कोई एक चीज ऐसे पतली से रख लीजिए फिर आप इसको लगाइए, तो आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा कि हाँ मतलब कितना हाईलाइट के लिए रखना है, कितना किस चीज के लिए, बस इतना ही आपका गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अगर आप रखती हैं तो फिर आपकी जो है नोज बहुत चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे इस जगह पे वो लिपस्टिक निकालो, क्रीम वाली लिपस्टिक, अब इसको बाहर की साइड ब्लेंड करिए, जो ये लगा हुआ था ये आपका बाहर की साइड ब्लेंड है, ये देखिए ऐसे, देखिए अब प्रॉपर नहीं पता चल रही लेकिन एक साइडो है, आपको ये हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा, इस साइड से इसको बाहर की साइड इस तरह से ब्लेंड करिए, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है, इसको इस साइड से ब्लेंड करेंगे ऊपर की साइड, इसको नीचे की साइड, प्रॉपर ये ब्लेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये पूरा अलग अलग दिखाई दे, नीचे की साइड इसको ब्लेंड करेंगे। अभी ये बीच में जो है ये इसको पतला करके इस तरह से ये बीच वाला, तो अभी क्या होगी नोज आपकी पतली दिखेगी,
ठीक है, अभी नोज शार्प दिख रही है प्रॉपर, गाल जो थे वो साइड से बैठे और साइड में जो जगह थी एरिया था वो पीछे की साइड थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे हम इनको क्रीम, अब यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि हम जो लगाएंगे वो यहाँ पे ज्यादातर चीजें क्रीम वाली लगाएंगे, तो अभी मैं ये थोड़ा सा पिच और ये पिंक कलर का ले रही हूँ, हल्का सा पिंक और पिच को मिक्स करके क्रीम ले रही हूँ, और इसको हम अपना जो है इस जगह पे पहले रख लेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये हल्का सा करने के बाद दो फिंगर लेते हुए इस जगह पे चीक बोन पर इसके लिए भी आप एक अलग से ब्यूटी ब्लेंडर रख सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोज पर थोड़ा सा करेंगे, बहुत लाइट सा और हल्का सा यहाँ पे हाइलाइटर क्रीम वाला चाहिए। जैसे इनके गाल कम पता चले तो थोड़ा सा आगे तक ले आएंगे, हल्का सा गाल पता चले। हाँ, लिपस्टिक पैलेट है, सबसे अच्छा ये होता है। अभी हमने उस दिन आप लोगों को दिखाया था चीक का जो है क्रीम ब्लशर, पर वो ज्यादा अच्छे से जमा नहीं, ये बहुत इजीली ब्लेंड होता है क्रीम है। तो हम ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेके इस तरह से हम इसको, आज हम ब्लशर थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, ब्राइडल है और प्लस जो है ये क्रीम है, अभी थोड़ा सा कम होगा, इसके ऊपर हाइलाइटर भी होगा। दीदी ये वाला चाहिए है? नहीं, अभी जो मिक्स किए थे वही दोनों, टच नहीं करना है और क्योंकि अभी सेट नहीं किए हैं। फाउंडेशन अभी वही लिक्विड वाला जो दीदी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है, मैं दिख रहा है इनको। देखो अब इन्हीं दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा, ये बहुत लिक्विडी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा क्रीम टेक्सचर के साथ मिक्स है। और बाकी आपके पास जो क्रीम हाइलाइटर है तो आप उसको इसको यूज कर सकती हैं, यहाँ पे पाउडर को छोड़कर क्रीम हाइलाइटर्स हैं तो ये है ना, क्रीम नहीं तो आएगा ना, पाउडर। अभी ये थोड़ा सा रख दी क्या, गोल्डन वाला देना क्रीम, वो थोड़ा सा सिर्फ ब्यूटी वाला है वो भी उसमें, ये इसमें से हल्का सा यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट जगह पे लगाएंगे। ब्लशर पे ही लगा रहे हैं, ब्लशर के ऊपर और बहुत थोड़ा थोड़ा इस जगह पर, ब्लशर कम लग रहा है किस ओवर इट पर जाना पर, हाँ दीदी ब्लशर कम लग रहा है। अब जैसे ये क्या है ना कि थोड़े से ये साइन वाले ब्लशर हैं, जैसे अब तक हमने जो लगाए थे वो थोड़े से साइन वाले नहीं थे, पर ये हमारा जो ब्लशर है ये हल्का सा साइन वाला है। स्विच ब्यूटी वाला भी लेके आना,
वो बड़ा वाला पैलेट निकाला जिसमें कलर है, देख नहीं रहा इसमें। देखो अब ये क्या है ना, अभी पिंक और इसमें थोड़ा सा गोल्डन भी मिक्स हुआ है और ये पिंक कलर में भी है, तो ये क्या करेगा, साइन करेगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जैसे कि इससे साइन भी होगा प्लस आपको थोड़ा सा ब्लशर का भी मिलेगा टेप। तो स्माइल कराएंगे, स्माइल करो, ये क्या करेगा आपको ब्लशर का भी देगा प्लस ये हाईलाइट भी होगा यहाँ के लिए। इस तरह से क्या होगा, आपको ब्लशर भी मिल गया प्लस साइन भी मिल गई। ये हम हर किसी पर नहीं कर सकते, जिसको थोड़ा सा मैट चाहिए, बहुत साइन वाला नहीं चाहिए, उसको हम नहीं देते, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर भी हम हाइलाइटर अब जो देंगे वो थोड़ा सा क्रीमी होगा, हल्का सा, मतलब एक प्रेस सिमर देंगे, तो वो हम लास्ट में भी करते हैं। अब इसके बाद अपना आई मेकअप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी क्या है, अब पाउडर का है कि जैसे क्रीज आपको हल्की हल्की बन रही है यहाँ पे, एक दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर का, जैसे आपको हल्की हल्की, जैसे इनकी एज तो कम है तो इनको बहुत फाइन लाइन्स है ही नहीं, कुछ नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखों के नीचे थोड़ा बहुत बन रहा है। तो सबसे पहले हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी यहाँ पे पाउडर का कुछ भी हमने नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही हम पाउडर करेंगे वैसे ही सब इसमें मैट हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे, हल्का हल्का। और बहुत थोड़ा सा यहाँ भी ब्लेंड करेंगे, अगर लाइंस पड़ी हैं तो, फिलहाल नहीं है कोई, क्योंकि बहुत केकी सा हमने लगाया ही नहीं है ऐसा कुछ। तो हम अपना जो सेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो जगह पर सेट करेंगे, हल्का सा पाउडर लेंगे इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और बहुत लाइट लाइट सा ऊपर, देखो यहाँ यहाँ पर जहाँ पे हमें थोड़े से क्रीज आते हैं, यहाँ पर हम पूरा जो है वो नहीं करेंगे, बस जहाँ पे क्रीज आती है हल्का हल्का इस तरह से कर देंगे बस, और कुछ नहीं। हो गई आपकी ये सेटिंग। यहाँ पे जब हम ऐसे ग्लॉसी मेकअप करते हैं तो यहाँ पे पाउडर को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। क्या चीज, पाउडर से नहीं सेट करेंगे पूरा फेस तो हाथ वगैरह लगाने पर फेस नहीं, 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 हटेगा? नहीं, वो हटेगा नहीं, हटता नहीं है। फेस वाला प्राइमर दे दीजिए। देखो अभी क्या है कि जैसे कि अभी इनकी एज तो है नहीं इतनी, तो इनके क्रीज बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइंस वगैरह नहीं है, लेकिन जब थोड़े से और एज वाले लोगों पर करते हैं प्राइमर देना तो क्या होता है कि यहाँ पे लाइंस पड़ती है, क्रीज पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें आई प्राइमर या फिर जो फेस वाला प्राइमर है वही हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम फेस वाला प्राइमर ही लगाते हैं। अब यहाँ पे आई मेकअप करने से पहले फेयर कलर का कंसीलर लगाएंगे। किसको किसको पता है स्मॉल आई है, पता
किसको पता चल रहा है कि ये स्मॉल आई है? जिया कह रही आप ही बता दे रही हैं। बोल ही नहीं रहे हैं सब लोग हैं कि चले गए हैं? यही है ना। किसको लग रहा है कि स्मॉल आई है, स्पेस बहुत कम है? सबको पता चल रहा है कि नहीं लग रहा है? जी मैम ऐसी आई पर क्या क्या करोगे? बता दीजिए आप आसान क्या 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 कर सकते हो? फुल कट क्रीज, हाफ कट क्रीज मैम, ज्यादा बड़ा दिख रहा है और लाइट कलर का यूज किया है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ये वाला कलर लेते हैं, बहुत पिंक कलर है, पिच कलर है, बहुत लाइट सा है, जो हमारा ट्रांजिशन कलर होगा। इधर ये हमारा ट्रांजिशन कलर होगा, ज्यादा बेस को नहीं टच करेंगे नहीं तो हमारा बेस हट जाएगा। पाउडर से भी लॉक नहीं किया है हमने कुछ भी नहीं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ आईब्रो तक पकड़ेंगे, फॉरहेड पर नहीं पकड़ेंगे। देखो ग्लॉसी मेकअप जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कलर के साथ नहीं होता, हमारा जो आई मेकअप होता है वो सिंगल या टू कलर के साथ ही होता है। तो हम यहाँ पे ये जो कलर ले रहे हैं ये मेहरून कलर है, ठीक है? हमारे लहंगे का जो कलर है हम वो कलर ले रहे हैं, अलग कलर के साथ नहीं जा रहे। रेड है दीदी, कहाँ से रेड दिख रहा है? ये देखें उसमें दिखने दो। इस तरह से आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक हम जाएंगे। इधर पीछे से पीछे रहे ना, उधर से जाओ, उधर से ले पकड़ लो, नहीं तुम्हारी नहीं आएगी। आज आपको दिखाएंगे कि सिंगल कलर के साथ अभी आप ब्राइडल का मेकअप कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जब तक आप बहुत सारे कलर ना लें तब तक आप नहीं कर पाएंगी। वही हम करने जा रहे थे। यहाँ पर भी लगाएंगे सेम कलर, जहाँ पे लाइनर लगाना है वहाँ भी रखेंगे अच्छे से। अभी इसी सेम कलर का हमारे पास ये जो साइन वाला है इसको करेंगे लगाएंगे। शिमरी मेकअप और ग्लॉसी मेकअप एक ही होता है? नहीं नहीं आप बोल सकते हो, लेकिन ग्लॉसी अभी दिखाते हैं थोड़ा सा। शिमर में ग्लिटर्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ग्लिटर इसमें थोड़ा सा कम करते हैं, इसमें आपका अभी दिखाते हैं। ओके। इसमें एकदम ग्लॉस जैसे ट्रांसपेरेंट वाले जो होते हैं आपके जो प्रोडक्ट वो इसमें लगते हैं, मतलब सीमर्स वाले नहीं लगते हैं, ज्यादा ग्लिटर चीजें नहीं लगती हैं, ऐसा नहीं होता है। बस इसको हम हल्का सा जैसे कि हम एक लुक भी क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से। आप अभी मैं बताती हूँ कि आप डायरेक्ट जैसे हल्का, जैसे ये ब्राइडल थी थोड़ा सा तो मुझे थोड़ा लुक भी क्रिएट करना था, तो मैं यहाँ पे ये सीमर्स वाला दे रही हूँ। बाकी आप चाहें तो जैसा हमने नीचे कलर दिया था उसके ऊपर आप ये सीमर्स ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपना जो हमने ग्लॉस बताया था उसको डायरेक्ट लगा सकती हैं, वो आपका
पूरी तरह से ग्लॉस मेकअप में आ जाएगा वो। ओके मैम, ठीक है ना। जैसे मैम सिमर ऑप्शनल है, मुझे अभी रियल ब्राइडल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हैवी ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अगर ऐसे नॉर्मली आप कर रही हैं तो इसको सिमर्स को निकाल देंगे। जो तो नीचे कलर दिया है वो कोई भी कलर हो सकता है आपका। मैंने जो दिया मेहरून कलर दिया क्योंकि लहंगे का जो कलर है वो ऐसा है। तो यहाँ पे आप पर्पल ले सकती हैं, यहाँ पे आप ब्लू ले सकती हैं, यहाँ पे आप पिंक ले सकती हैं, कोई भी कलर्स लेकर पूरे आई पर, क्योंकि आपका जो ग्लॉसी मेकअप होगा वो ज्यादा कंसीज या वैसे नहीं होता, वो सिंगल कलर के साथ होता है कि आपको एक कलर पर आई मेकअप पर रखना है, पूरा लिड पर करना है प्लस थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद आपको जो ग्लॉस है अभी मैं दिखा रही हूँ वो आई ग्लॉस अलग से मिलता है। लिप ग्लॉस जैसे मिलता है उसे आई ग्लॉस भी मिलता है, पर अभी क्या है मुझे आई ग्लॉस मिला ही नहीं, लिप ग्लॉस है उसी से मैं दोनों करती हूँ। तो अभी मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से है, अभी मैं इसके ऊपर आपको ग्लॉस लगा के दिखाती हूँ। पूरा एकदम तरीके पूरी तरीके से ग्लॉसी मेकअप आपका हो जाएगा। ग्लॉसी मेकअप सिमर ग्लिटर्स मेकअप में मैं आपको दिखाती हूँ। सिमर्स जो ग्लिटरी आई मेकअप होता है, सिमरी आई मेकअप होता है, उसमें ये सारी चीजें आई पर हम ज्यादा सिमर्स ग्लिटर यूज करते हैं तो वो होता है। लेकिन जो ग्लॉसी होता है ना वो क्या होता है कि उसमें सिमर्स वगैरह नहीं यूज होते, वो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट साइन वाले प्रोडक्ट होते हैं जो कि लगा देने से बहुत साइन करेंगे। जैसे इसमें हमने क्या किया है, साइन कर रहा है, यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ पे साइन करेगा, आई पर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वो साइन करेगा, लिप्स साइन करेंगे तो वो हमारे पूरे प्रॉपर ग्लॉसी मेकअप में आएंगे। ई उधर से देना, लिप वाला ग्लॉस देना जल्दी दो। और ये इसीलिए ज्यादा टिकते नहीं है, बहुत ग्लॉसी होते हैं, थोड़े से चिपचिपे होते हैं। अब ये जैसे मेरे पास सिर्फ लिप्स का है तो ये क्या है, हल्का सा पिची है पर ट्रांसपेरेंट है, इसको आपको अपने हाथ में निकाल लेना, ठीक है। ये क्या है, ग्लॉस, देखो लिप ग्लॉस, ठीक है। इसी तरीके से आई ग्लॉस आता है, पर अभी आई ग्लॉस मुझे मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा, या कि आया भी तो वो मिल नहीं रहा है, शॉप पे भी यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो मैं इसी को आपको जो लिप पर करना है वही आप आई पर भी आराम से कर सकती हैं। तो मैं इसको हैंड में निकालना है, नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगी तो इसमें कलर आ जाएगा। इस तरह से इसको लूंगी, आपको यहाँ पर ऊपर तक नहीं जाना है, बहुत ऊपर नहीं जाना है। क्या कर रहा है, ग्लॉसी मेकअप क्या हो रहा है इसके साथ, पूरा एक चमक आपको अलग से मिल रही है। यस मैम, सही नहीं है, तुम्हारा कैमरा देखो कितना गंदा है, देखो। ये क्या होगा, दो तीन घंटे के बाद ये आपका हल्का हो जाता है, आपको फिर से इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज्यादा ग्लॉसी मेकअप ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, 3-4 घंटे के लिए रहता है, मतलब इसकी साइन कम होने लगती है। आपको ये यहाँ ट्रांजिशन जहाँ पे लगाया वहां तक नहीं जाना, जहाँ पे क्रीज लाइन है वहां तक ही लगाने। सबको दिख रहा है अच्छे से, सबको समझ में भी आ रहा है? Yes, ma'am. अभी क्या है, अब हमारा जो होगा वो हम आईब्रो कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये, सिंपल अभी मुझे बताना है, नहीं तो मैं इसको 10 मिनट में रेडी करती। जल्दी जल्दी हमको लाइनर दो। अब ब्राइडल है जैसा, तो हम यहाँ पे लाइनर और यहाँ पे आप जैसे कि मस्कारा के लगा कर, क्योंकि हमारा जो देखो हमें ज्यादा जब एक चीज पर फोकस करते हैं तो और चीजों को थोड़ा, जैसे हमारे लिप आई जो बहुत ज्यादा ग्लॉसी हो रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा यहाँ पे आई लेसेस हैवी और ज्यादा चीजें नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस आज ग्लॉसी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको क्रीम वाला दे रहा है, इसमें पहले से लाइनर था तो इसकी वजह से इसमें लाइनर आ रहा है, तो थोड़ा सा आज हल्का सा ये डार्क भी हो सकता है, पर कोशिश करूंगी कि ये डार्क ना करूं, लेकिन इसमें पहले से ऑलरेडी प्रोडक्ट लगा हुआ है। इनका आईब्रो थोड़ा सा शॉर्ट है तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे।
फेस पर ज्यादा टच नहीं करेंगे, नहीं तो आपका बेस खराब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लगाएं, ब्लैक वाला? इसे कट तो नहीं करना है मैम। अब जितना भी हम आगे से थोड़ा सा हटाएंगे, हल्का करेंगे, पीछे से थोड़ा सा हम अपना सटल सा ही रख देंगे, वैसे ही डार्क सा। जाइए लाइनर दो, लाइनर दो, ये पकड़ो पहले, उसमें देखो, सब सब लोगों को सुनाई दे रहा है, बोलिए कुछ, बोलते रहिए, नहीं पता चला आप लोग चले जाएं, पता ना चले, हम करते हैं। अभी यहाँ पे हम लगाएंगे लाइनर्स, यहाँ पे मैट नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा साइन वाला हम लाइनर्स लगा सकते हैं, जो हमारे शाइनी लाइनर्स आते हैं। फिलहाल इस पे लग भी नहीं रहा है, नहीं लग रहा है क्योंकि ग्लॉस लग चुका है ना। दुनिया जलती है, जलने दो, ऐसे से करते रहिए, बहुत अच्छा है। आगे पीछे करते रहिए, रुको जो आगे पीछे करो, खाओ पियो आइसक्रीम। दूसरा अलग ब्लू ब्लू ब्लू, मैं ब्लू अच्छे से नहीं लगा। ये ठीक है कलर,
गाना नहीं अच्छा है। वो ऐसे लोड कर दो, गाना दूसरे डाल देंगे। ऐसे लोड कर दे रहे हैं। कहाँ से, किस गली चौबारे से लेके आ रही हो गाना? जी ये दीदी गाने नहीं बज रहे, क्या कर रहे? अच्छा इसमें नहीं, इस पे रील्स पे जाओ ना। वो सिर्फ देख रहे थे। आंखों पे करो, चुभ रहा है मैसेज से? ठीक है, बंद कर। चुभ नहीं रहा है। ग्लू अच्छे से लगाओ क्योंकि ग्लॉस लग गया है ना, तो चिपकेगा नहीं। ये ग्लॉस आप बाद में भी लगा सकती हैं, मुझे सिखाने में ध्यान नहीं रहा। जब आप रियल कर रहे हो तो ये ग्लॉस सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये चिपक नहीं रहा है। ग्लॉस इसको मिल चुका है, ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ चुकी है, उसकी वजह से ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। पर जब आप रियल करना तो पहले ये सारी चीजें करना, ऊपर से ग्लॉस देना। हो जाएगा ऐसे भी, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ऐसे ऐसे करती ना दीदी, ऐसे जैसे इसमें आगे पीछे हो रहा है ऐसे पूरा होता है। तो पहले कह नहीं पता, ऊपर लेके खोलो आंखों। हेलो हेलो दीदी बोलिए। हेलो एवरीवन, हैं आप लोग? इस पे बना देखा दीदी कहते दीदी, इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं आपका। बना दो, बनाओ देखो। वाइट कलर निकालो, थोड़ा सा तुम डाउन हो, हल्का सा डाउन हो, सामने से आओ। बोलिए पहले, बोल नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, नहीं बता ना। हेलो है तो सलो, बोल क्यों नहीं रहे? खाना खा रहे हैं। दीदी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ, बस उनका पैंट खींचिए, उनको आगे करते हैं ना। ये देखिए आ गई ना। हेलो एवरीवन, आप लोग बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलिए प्लीज। हेलो 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 सारे हेलो हेलो खा रही हैं। देखिए मैंने बोला समझ समझ कर, हाँ देखिए बड़े भी है ये। ले लीजिए भाई, चलिए सही में खाना खाने लगे क्या? ये तुम दो तो तुम अपने पे भी कर रही हो, और दीदी वाले भी दीदी अपने पे भी डालेंगे, एक ही नहीं कर रहे थे क्या दीदी? आप अपने पे भी डालेंगे, ये अपने पे भी डाल रही है। नहीं इसमें बना के निकाल ले रहे हैं, इसमें फाइल में रख रहे हैं। सोचो तुम अपने पे अपलोड कर ले रहे लगा दीजिए। तो ये लोग यही लड़की का मारते हैं, ये तुम लड़की का यहाँ पे व्हाइट कलर लगा रहे हैं। हेलो एवरीवन, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं सुन रही थी, बंद हो गया। हेलो यस मैम, अभी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई। ये लोग मार मैम की तरफ आ रहे, अब आ गया मैम। मीटिंग खत्म हो गई थी। तो फिर से ऑन करोगे तो फिर से वो करना पड़ेगा। आपकी ब्राइडल तो पहले से ही शादीशुदा है। ये ऐसे नहीं क्या दूर रहे हैं दोबारा कहाँ शादी करें? Thank you.
डांस साइंस की वीडियो देख ठीक है। नीचे व्हाइट काजल लगाया है, जैसे इनकी आंखें छोटी है ना तो नीचे व्हाइट काजल लगाया है। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम। ये ग्लोसी मेकअप इतनी सर्दियों में भी ज्यादा देर से टिक पाएगा? नहीं हो जाएगा, सेटिंग स्प्रे अभी करेंगे तो टिक जाएगा, 7-8 घंटे रहेगा ऐसा बात। ये आई के लिए मैं बोल रही थी, बेस के लिए नहीं, आंख के लिए मैं बोल रही हूँ। बेस तो रहता है। मैम आप दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन शो हो रही कि नहीं? मॉडल की स्क्रीन शो हो रही है। दिखाई दे रही है मैम। अभी मैम नहीं देखेंगे आप लोगों को, दे दो बज में। देखो आपको जैसे मस्कारा थोड़ा ज्यादा चाहिए, आज हम थोड़ा सा जैसे नीचे साइड का मस्कारा थोड़ा सा डार्क रखेंगे। अब तक जितना था उसमें मैं तो कभी कभी भूल ही जाती थी, अपना खुद तो उस दिन लगाना भूल गई थी। तो अच्छे से मस्कारा नीचे ऐसे करके, ऐसे से नहीं लग रहा है तो इस तरह से आप यहाँ पे लगाएंगे। आज थोड़ा भर के लगाएंगे। नीचे थोड़ा सूख जाएगी, ऊपर ही देखना। बिल्ली यहाँ के ला के रखो। कौन से कलर के? रेड लगाएंगे। लिपस्टिक लगा देते जल्दी से, बिल्ली ला के रखो। दो लिपस्टिक ये ले लीजिए। नहीं इसको दे। निकाल यहाँ पे कोई भी लिपस्टिक लगाइए। आप यहाँ पे मैट लगाइए तो ज्यादा सही रहेगा। मैट लिपस्टिक लगा के फिर इसके ऊपर ग्लॉस आपका लगाना। यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ, थोड़ा सा ये कलर मुझे आज चाहिए था, ये मुझे अच्छा कलर लग रहा था। नहीं छुटती नहीं है, वाटर प्रूफ रहेगा तो नहीं छुटे। ये लिप ग्लॉस जो होता है ना, ये मिक्स नहीं होता, जैसे इसके साथ मिक्स नहीं हुआ है आई के साथ। अभी यहाँ पे देखोगे ये लाइंस पड़ रही हैं, इसीलिए लिप ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। अभी देखो 1 घंटे हो गए होंगे लमसम, आधा घंटा, और ये देखो इसके ऊपर, तो इसको फिर से रिटच करना पड़ता है। आपका बेस नहीं हटता है, आपकी जो आंखें जहाँ पे ग्लॉस लगाती हैं वो ही आपका थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तभी मैं एक बार फिर से इसको रीयूज करूंगी, इसीलिए ये ज्यादातर जैसे ब्राइडल पर करते हैं तो बहुत कम करते हैं ये, तब जब जैसे हमें 1-2 घंटे के लिए ही करना हो, इसलिए ब्राइडल पर हम ग्लिटर्स वगैरह वाले करते हैं, ये वाले थोड़े से नहीं करते हैं। पर अगर करने हैं तो इसी तरीके से किया जाता है, ये हम बता रहे थे। 2-3 घंटे के लिए अगर आप कोई शो में जा रही हैं, चाह रही हैं खूब अच्छा आपका जो है ग्लॉसी मेकअप रहे 2-3 घंटे के लिए, तो आप इसको रखिए करिए। पर ब्राइडल पर थोड़ा सा अवॉइड करिए, बेस बना दीजिए, बेस आपका सही रहे। आई के लिए थोड़ा सा ग्लिटर सिमर्स करिए। आ करो थोड़ा, सिमर पाउडर भी तो आता है फेस पे लगाने के लिए। हाँ
हाँ वो भी आते हैं, वो भी लगा सकती है, लेकिन पाउडर हमें जब हम ग्लॉसी मेकअप करते हैं तो पाउडर वाली चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैम आपका चित्र चला जा रहा है, मैम आपका चित्र नहीं आ रहा, किसी और भी आ रहा है चित्र मैम, किसी और आ रहा है। आ गया मैम, बंद करो, ज्यादा मत खोलो, ज्यादा मत खोलो, बंद करो। वो लगा के ग्लू देना यार, लैसेस में ग्लू कंसीलर पहले दो, जो कि बेस्ट है। वीडियो बन रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, थोड़ी नहीं बन पाएगी जी, ये बना दें जरूरी हो तो बनवा दो। जो लिपस्टिक आपकी लग गई है अगर इधर उधर, तो इसको इस तरीके से हम, अगर थोड़ा बहुत भी लगता है कि सेफ नहीं आया है या इधर उधर हो गई, उसको इस तरह से थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर हम इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बस फेयर कलर नहीं लेना है, थोड़ा सा नॉर्मल कलर ही लेना है। जैसे ये हमको लग रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा सा फेस खुला था, तो उसकी वजह से लिपस्टिक इधर उधर थोड़ी सी हो गई थी, तो इसको यहाँ से ऐसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे रियल हम देख रहे हैं, आप ये रियल समझो, थोड़ा सा लाइनर और लगाएंगे, लाइनर तो करवा लो जरूरी हो तो, लाइनर ग्लू ग्लू निकालो ना एक किसी चीज में, दो बिंदी ला के लगाओ, फिर हेयर स्टाइल बनाते रेडी बिंदी लगाऊंगी। देखो लैसेस थोड़ी सी कम चिपकी हुई थी, तो हम इसमें थोड़ा सा ऐसे ग्लू लगा के, जहाँ पे निकालना नहीं है, पूरा ग्लू निकालना नहीं है आपको, हल्का सा जहाँ से निकली हुई है बस उसी में ग्लू लगा देंगे, और कुछ सेकेंड, जैसा हमें नॉर्मली हम 30 सेकेंड रखते हैं, कुछ सेकेंड के बाद इसको वहीं पे हम चिपका देंगे जहाँ से हमें लगता है कि निकली हुई है, ठीक है। अभी इसको वहाँ से निकालना नहीं, क्योंकि आधी ज़्यादा चिपकी हुई है ये ऑलरेडी। ओके, पकड़ो, अभी लाइनर थोड़ी देर बाद लगाएंगे जब अच्छे से चिपक जाए, बिंदी करेंगे। अभी हम अपन अपना आ जाते हैं लिप ग्लॉस पे, ठीक है। तो लिप ग्लॉस सेम उसी तरीके से लगाएंगे हम, डायरेक्ट इससे एप्लीकेशन नहीं करेंगे, अपने हैंड पर निकालेंगे, कहीं भी किसी स्पैचुला में भी निकाल लेंगे इस तरह से,
जो आपका ये वाला रहता है इससे आपको निकाल सकती हैं, इस पे निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, हल्का सा टिंट पीच कलर का होता है, पर होता नहीं है, इस तरीके से आपका साइन करता रहता है। आपको इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से यहाँ पे बीच में लगाना है, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह। आई में कौन सा लगाई है मैम? आई पर भी हमने यही लगाया, पर अलग से भी आता है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप दोनों जगह पे यही लगा सकती हैं। ओके मैम। आपका बेस वही बना, सब कुछ वही हुआ, बस आपके ये जो ये है यही आपके ग्लॉसी मेकअप दिखाते हैं। अब आप लिप को देखिए, बहुत ज्यादा साइन कर रहे होंगे, और आई के ऊपर मैं फिर से लगाऊंगी, देखिए। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लॉसी मेकअप हो गया, इसको सिमरी मेकअप नहीं बोलेंगे, इसको ग्लॉसी मेकअप बोलेंगे। तो मैम ये लिपस्टिक छूटेगी नहीं? छूट जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि क्रीम नहीं लगाना है, आप जो वाटर प्रूफ लिपस्टिक आपकी होती है उसको आपको लगानी है, उसके ऊपर जब वो अच्छे से सेट हो जाएगी उसके ऊपर आपको इसको लगा देना है, तो आपका ये छूटेगा नहीं। मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे कलर, क्योंकि मेरा रियल तो है नहीं अभी, मुझे रखना तो है नहीं, इसके बाद हटा देना है, तो मैंने जो लगाई वो क्रीम लगा दी है, लेकिन आपको जो करना है वो यहाँ पे रखना है लिक्विड लिपस्टिक को, ठीक है। जब वो सूख जाए अच्छी तरह से फिर उसके ऊपर आपको इसको लगा देना है, तो ये इसके साथ मिक्स नहीं होगी, लेकिन जब गीली रहेगी तब मिक्स हो जाएगी। मैम ग्लॉस किस कंपनी का है? ये देखिए लिप ग्लॉस है, थोड़ी सी तिरछी है, ये है सिज ब्यूटी का 01 नंबर। दीदी बिंदी सीधी कर, बिंदी सही नहीं लग रही, ये वाली अच्छी नहीं लग रही, मरून है। इसमें फोन में बिंदी बिंदी दिखाई, ठीक है। तो आपका ये हो गया, अभी मैं फिर से हमारा लिप, अभी हमारे लैसेस जो थी वो हम फिर से चिपका देते, बंद कर चिपका देते हैं, और इसके ऊपर लाइनर करेंगे। ग्लॉस कौन सा नंबर बताया आपने? 01। अभी ये फिर से ग्लॉस लगाएंगे, और देखिए जैसा कि हमने बताया ना कि आपका लास्ट में आपको ये करना है, लिपस्टिक वगैरह सब लगा लेने के बाद लास्ट में करोगे तो ये आपका थोड़ा सा समय चल जाएगा। देखो सारे क्या, ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट सा है, इसलिए आपका ये देखिए अभी हमने कितने कलर्स आई में लगाए थे, लेकिन सारे कलर्स जो थे वो सारे इस ग्लॉस के साथ हट गए, कितना हल्का हो गया। तो अभी हमको जल्दी से फोटो शूट भी करना है, ज्वेलरी वगैरह पहनाओ। नीचे हमने सिर्फ व्हाइट लाइनर लगाया है और हल्का सा कलर ऊपर वाला कलर ही दिया है, आज मैंने हैवी आई मेकअप नहीं किया है, क्योंकि ग्लॉसी मेकअप में बहुत हैवी नहीं होता, जैसे मैंने बताया सिंगल कलर के साथ रहता है। हाँ मेकअप फिक्सर कर देते हैं, ब्लेशर ऑलरेडी है, जब लगाया था तो बहुत ज्यादा था, अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा सेटल हो गया है, तो इस वजह से ब्लेशर के लिए नहीं डरना है, जल्दी पहनाओ। ठीक है ना, तो आपको अब तक के जो जितने भी बेस बने हैं सब में आपको समझ में आया होगा कि आपका जो चीजें होती हैं वो उसको एक एक चीज तो करने दो पूरा सब साथ में, तो उसमें बेस आपका लगभग लगभग सब वही रहता है, जो भी चेंज होता है वो आई से आपका चेंज होता है, ठीक है। जो भी जितने भी लुक्स होते हैं वो आई से होते हैं, आपके आउटफिट से होते हैं, आपकी ज्वेलरी से होते हैं। और अच्छे से गले में फिट करो, बीचों बीच रखो, थोड़ा सा कम है, गले में और ज्यादा जाएगा, और पूरा, हाँ पूरा और ज्यादा, और ठीक है। ये नहीं पहना, ये नहीं पहना, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बताइए ये भी पहने कि नहीं, लॉन्ग वाला पहना दो, चलो पहना दो मैम, ये नहीं चल रही ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा ना, ज्यादा हो गया,
चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से और करो बाल पहले हेयर स्टाइल आपका लास्ट में नथिया पर। देखो इनका फेस जैसा है कि थोड़ा सा छोटा है, तो हम इनके जो हेयर स्टाइल बनाएंगे वो हम रखेंगे थोड़े से ऐसे पफ वाले, ताकि इनका फेस थोड़ा सा ओवल दिखे। लंबे फेस पे ट्विस्टिंग वाले चलेंगे क्या? चीज जिनका लंबा फेस होता है उनके हेयर स्टाइल आगे से होता है, जो ट्विस्टिंग वाला चलेगा? हाँ वो उनके ऊपर चलेगा। ओके देखो अभी क्या है कि जब टोटली करते हैं आंख मूवमेंट करती है, सब कुछ होता है ऊपर देखो, तो हल्का सा इसको हम यहाँ पे फिर से एक बार अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, जहां जहां भी लगेगा कि हमारा हैंड टच हो गया था, रियल ब्राइडल काम कर रहे हैं। अभी मेरा थोड़ा सा हाइलाइटर बाकी है तो वो हम और हाइलाइटर करेंगे। इस तरह से हमारे हाथ बहुत जगह टच हुए थे तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, जहां पे भी हमें कुछ ऐसा कुछ लगेगा वहां पे हम इस तरीके से लैशेस बार बार इसलिए हो रही है, फिसल रही है क्योंकि वो लिप ग्लॉस बहुत शाइनी होते हैं और बहुत ज्यादा, तो वो एक जगह चिपक नहीं रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, प्लस थोड़ा सा आई का शेप छोटा है इसकी वजह से। ये भी मिला दो, ये भी मिला देना। नहीं उसको नहीं मिलाओ, सिर्फ रेड पहना दो, कंगन डाल दो ना वो गोल्डन वाला जो जेब पास था। नई चूड़ी पहना दो, छोड़ो जाने दो, ये गला बहुत डीप है। मैडम हाँ बोलूं, ग्लॉसी मेकअप के लिए एलिगेंट का फाउंडेशन ही लेना पड़ेगा? नहीं नहीं आपका जो है ये ही जरूरी नहीं है, आप जो है इसमें डुई मेकअप में जो आपके फाउंडेशन ड्राई स्किन वाले होते हैं, जो साइन वाले होते हैं डुई मेकअप के लिए, वो आप जरूरी नहीं। जैसे हमने फॉरवर 52 का भी लिया था, मिक्स किया था, एले गर्ल का भी था, और आप इसमें मैट का भी यूज कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बस जैसे हुडा ब्यूटी हो गया, हुडा ब्यूटी वाला थोड़ा सा नहीं चलेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा मैट होता है। हेलो हाँ बोलिए, कुछ नहीं करना मैंने। हाँ बोलिए, मेकअप में केचप कैसे दे मैम? मतलब मेकअप जब निकल जाता है उसको और फिर से कैसे लगाएं? मतलब अच्छा मेकअप निकल जाता है, फिलहाल आज तो टाइम नहीं बचा है, हम कल वाले मेकअप में करते हैं, कुछ और करते हैं कल परसों में, तो उसको बता देते हैं कि अगर जैसे हमको रीटचअप करना हुआ तो हम फिर किस तरह, क्योंकि आज जो हमको इशू को लेने जाना 20 मिनट ही टाइम है, 20 मिनट में कम्प्लीट लुक आपको दिखा देना है। वही वाला है दोबारा, ये दो क्लिप वाला जो इसको ऐसे ये पीछे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने लगाई ना, कहाँ रखी वहाँ अभी लगा हुआ था ना, तो पहले साइड वाले नहीं चलिए, सिंगल सिंगल वाले देखो सामने से फ्रंट से आ रहा है, सही है ना? मैं थोड़ा पीछे एक पिन दो, एक पिन दो सीधा थोड़ा इधर, हाँ वो टू इन वाला टेप लगा देना हो जाएगा। बालों को क्रिम क्रिम किए क्या मैम? हाँ हाँ बाल को पहले ही क्रिम कर दिए थे, ये लोग हेयर स्टाइल कर रही थी पर मेकअप करते करते वो खराब हो जाती है, तो अभी यहाँ पे टीका, जैसे फेस छोटा है इनका तो टीका बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, तो आप ऊपर करोगे नहीं तो पूरा मेकअप का लुक ही ढक जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये मैम टीका कह दीजिए,
लगा हुआ था। हाँ वो साइड साइड मांग टीकी का ही है, इसमें साइड वाला भी था ना। देखो जैसा इनका फेस थोड़ा सा साइड से ऐसे थोड़ा सा ये ब्रॉड है, हल्का सा पतला दिखाने के लिए फ्लिक्स निकालेंगे। ये जो पतली पतली फ्लिक्स हैं ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो हल्का सा निकालेंगे इस तरह से। और बाकी जो हेयर्स है थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे, अभी हेयर स्टाइल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मोटा मोटा बता रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर बैक कॉम करेंगे, थोड़ा सा नीचे छोड़कर इस तरह से। जैसे हमें 3 इंच पर बैक कॉमिंग चाहिए तो 6 इंच से हम करना स्टार्ट करेंगे अपनी बैक कॉमिंग। इस तरह से अच्छे से कर लेंगे और इसके ऊपर हम हेयर स्प्रे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम हेयर स्प्रे करने वाले हैं। क्या देख लो, देखिए इसमें छोड़ दो बस, हो गया। ये हम थोड़े से हेयर्स आगे इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि फिनिशिंग ला सकें। जो हमारी पहली वाली जो सेक्शन होता है उसको, उसमें हमें फिनिशिंग लानी होती है। उसमें ऐसा पता नहीं चलने देना है कि हमने बैक कॉमिंग ऐसा कुछ किया हुआ है। छः हमारा 3 इंच पर बैक कॉमिंग होनी चाहिए, तो हमें 3 इंच ऊपर से बैक कॉमिंग करेंगे तो अच्छी हमें मिलेगी जितना है। और जितना हमें चाहिए हाइट उतना ही हमें बैक कॉमिंग करनी है, 3 इंच तक ही चाहिए हमें, यहाँ तक नहीं चाहिए तो फिर हम वहाँ तक क्यों करें, नहीं करेंगे। नहीं तो हमारा जो गुलाई में पफ बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम इसको पीछे की साइड लेंगे और इन दोनों को साथ में करके लेंगे ताकि हमारा बीच में जो गैप है वो ना आए और ना ही दिखे। अब इन बालों को लेंगे ऊपर से तो क्या होगा, इन बालों से हमें फिनिशिंग दिखेगी, ऐसे लगेगा नहीं कि हमने अपने नीचे के बालों को बहुत उलझा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से आपको मैम उससे बनता ही नहीं, बहुत कोशिश करते हैं पफ बनाने के पर फिनिशिंग नहीं आती है। हाँ अभी ये जब क्लास आप लोगे तो आ जाएगी 100%। इस तरह से करेंगे। अभी क्या है जैसे कि हमारे बाल जब हम ये कर देते हैं क्रिम्पिंग करने के बाद, हमारे बालों में साइन नहीं होती है। साइन के लिए ही हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे साइनिंग स्प्रे करते हैं। टाइम देखो कितना है, 2:20। कितना? 2:20। अभी देखो अभी साइन नहीं होगी, पर साइन अब जो है मैम ये कौन सा ब्रांड का स्प्रे है इसमें, ये दूसरी ब्रांड का है, फिलहाल तो ओसिस का करते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है, ये उतना अच्छा है नहीं, पर अभी ये हो जा रहा है, ऑनलाइन आ गया, तभी नाम बताएंगे आपको बाद में। इस तरह से लेंगे और यहाँ पे सामने देखो, सामने से पफ आ रहा है। जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो अपने शीशे के सामने बनाते हैं, ठीक है, और बीच में अगर आपको अभी भी लगता है गैप है तो एक जूड़ा पिन लेके इसमें अभी ऐसे डाल देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। जूड़ा पिन ये वाला नहीं है, और वो नॉर्मल वाली देना, बॉबिन। अभी इस तरीके से ऐसे डालेंगे और जब ये थोड़ा सा लॉक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। खुल रहा है क्या? दो एक और दो जल्दी से। कर्लिंग रॉड लगा देना, अब ये जो आपको, अगर जब आप पफ बनाते हो तो आप क्या कोशिश करते हो कि सारे बालों को एक साथ ले लेते हो, तो आपके ये फैले आ जाते हैं, ये कम फूले आते हैं। आपको पहले इतना एरिए को ही करना है, इसका डिटेल हम देंगे, लेकिन अभी जैसे बता रहे नॉर्मली कि इतने एरिए को कर लेना, बाकी जो बचता है इसको इसके साथ ले जाके साइड में कर दे ताकि ये वाला हिस्सा उभरे और ये वाला हिस्सा कम दबा निकले। इसको आप अपने हिसाब से ऐसे कम ज्यादा कर सकती है, पर साथ लेके कोशिश करती है ना, इसी वजह से खराब हो जाता है। बहुत उनका कोम अलग होता है क्या मैम? क्या चीज?
बैक कॉमिंग करने का कॉम अलग होता है क्या? हाँ, बैक कॉमिंग के कॉम अलग होते हैं, जैसे ये है एक जिग जग की तरह, एक छोटा एक बड़ा ऐसा रहता है। ओके मैम। अभी हम इसमें लाइनिंग भी बताते हैं, पर आज समय नहीं है, हेयर स्टाइल वाले में लाइनिंग वगैरह सब कुछ बताएंगे, ठीक है? अभी तो बस जल्दबाजी में हो रहा है, इस तरह से बीच में आपको हटा लेना है। आप चाहें तो आप, जैसे हमने फिनिशिंग के लिए छोड़ा था, आप इसमें लाइनिंग भी कर सकते हैं, फिनिशिंग वाली जो लाइन थी, लेकिन अभी क्या मैंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। अब मैं खींचूंगी ना तो कुछ बाल खींचेंगे साथ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, पर जब लाइनिंग देते हैं तो प्रॉपर इसको ढीला करके ही लाइनिंग देते हैं, तो अभी हम इसमें लाइनिंग नहीं दे सकते हैं, बाद में कोशिश करते हैं। अभी लाइनिंग देने की कोशिश करेंगे ना तो फिनिशिंग सारी ये खराब हो जाएगी, ठीक है? तो अभी बस हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखो अभी क्या है ना कि यहाँ से ये खराब हो जाता है, उसमें डाल के दो, ये आपका जो है, अब हम रबर बैंड लगाते हैं ना तो खराब हो जाता है आपका ये, इसलिए खराब होता है। देखो इसमें क्या करोगे आप, इस तरह से एक दो पिन डालोगे, एक रुकी, तरह रुकी। से निकल जाएगा, ये बढ़ने वाला नहीं है, जो उस दिन देखे आए ना वो वाला देखे तो सही रहता है। इस तरह से घुमा के जो हमने यहाँ पे ये इसमें फंसा के, फिर इस तरह से करने के बाद इसमें, लेकिन ये पे नहीं। इसको जितना राउंड जब तक ये घूमती है तब तक घुमाने के बाद, टाइटली इसमें करने के बाद इसको इसमें डालेंगे और फिर इसको अंदर ही यहाँ पे सीधा करके, इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। अब दोनों दे, इसको डिटेल में आपको बताएंगे हेयर वाली क्लास में, उसके लिए मत परेशान होइएगा। अभी डायरेक्ट डोनेट लगाते हैं, इसमें कई साइज आता है, थोड़ा सा डोनेट के साथ करेंगे, ये तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा बाल के साथ करने के बाद चार ठू लगाएंगे चारों साइड से। अभी बहुत सिंपल वाला कर रहे हैं तो बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, ये सब लोगों को पता होगा, इस तरह से चारों साइड फैलाने के बाद, ताकि हमारा ये डोनेट छूट जाए, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये आपको इस तरह से लगा देना, ठीक है? बाकी जो बाल हैं इसको दो सेक्शन करने के बाद दोनों साइड से आपको इस तरह से इसको छुपा देना है। अभी बहुत ये बहुत जल्दी तैयार, देखो पीछे क्या है ना कि आपका दिखता नहीं है जूड़ा, तो इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करना कोई मतलब का नहीं है, ये दिखता ही नहीं है। इसके ऊपर आपको जो भी गजरा वगैरह लगाना है, अच्छा इसको टाइटली वो लेके आओ, जो वाइट कलर थे नहीं वो नहीं लगाएंगे, लगा दीजिए ना, अच्छा नहीं लगेगा, सब मिला लिया। इस तरह से इसमें पिंस वगैरह काफी अच्छे से लॉक कर देना है कि ये बाल खुले नहीं।
आप यहाँ पे ब्रॉच चाहे तो लगा सकती है, यहाँ पे जूड़ा चाहे। जब आप गजरा लगाइएगा तो ये डोनेट छोटा रखिएगा। देखो आवाज आ रही, आप लोगों को आवाज मिल रही है? यस सर। ये हार्ड जा रही है, सीधा एकदम टेढ़ा ही मुंडी कर रहे हैं। टेढ़ा ही हो गया तुम्हारे मुंडी पकड़ के खींचे। चलो नहीं होना चाहिए। रॉड निकालो, नहीं रॉड की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं, इसको जो ये बाल निकले हैं ना इनको बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा भी अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़े से इनके बाल कटे हैं ना, बाकी जो बाल हैं इनको लेकर हम टॉक करेंगे, ठीक है? ज्यादा बाल नहीं निकालने हैं। और ये जो बाल आपने निकालने हैं ना इनको स्ट्रेट करने हैं, स्ट्रेट वाली मशीन लगाने। ये बाल को एक साथ लेके ना आपको स्ट्रेट करने हैं, पूरी तरह से पतली से ऐसे लाइंस ऐसे दिखनी चाहिए, ये तब अच्छे लगते हैं, ये फैले फैले नहीं अच्छे लगते हैं। इसको इस तरह से फिंगर्स के साथ ऐसे, अभी जैसे ना इनका फोरहेड क्या है छोटा है तो हमें ये चीज ज्यादा नहीं, तो ये और नीचे आता है तो हमारी ये हेयर स्टाइल में और ज्यादा फिनिशिंग होती, ये आने की वजह से यहाँ पर जो है वो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है। और जिसका माथा बड़ा हो उसका, जिसका माथा बड़ा हो उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्लस साइड में करेंगे, जिसका माथा बहुत बड़ा होगा उसकी हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगी, उसको हम इधर से करेंगे जो कि अपनी हेयर स्टाइल वाले में बताएंगे, ठीक है? चलो लहंगा क्या कुछ बाकी लास्ट में हाईलाइटर बाकी तो बैठे थे तो अभी हम नॉर्मली ये हाईलाइटर दे रहे हैं लास्ट में, बहुत हल्का सा ये यहाँ पे आप दे सकती हैं, हल्का सा यहाँ पे नोज पे देंगे बहुत थोड़ा सा, बाकी जगह तो अभी बन चुके हैं, बने ना बने सब बात। ठीक है, तो दो मिनट में आप लोगों को पूरा फाइनल लुक दिखाते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। कंसीलर में कौन कौन से शेड होते हैं? नहीं लेना, लेना चाहिए आपको। हाँ आपको एक डार्क और एक लाइट शेड लेना चाहिए, वही ज्यादा यूज होते हैं, बाकी तो आप मीडियम शेड भी ले सकती हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई भी सांवली स्किन आती है तो उसको हम डायरेक्ट फेयर वाला नहीं लगा सकते ना हाईलाइट के लिए, उसे हम मीडियम शेड का लगाते हैं। जो डार्क वाले हैं उनको मीडियम लगाते हैं, जो मीडियम है उनको फेयर लगाते हैं। हाँ बोलिए। संडिल निकालो उसमें से, संडिल दे दो, इसको पीछे रखना। हाँ बोलिए। क्या चीज स्प्रे यूज नहीं किया? क्या चीज? अरे वो आप कर लेना जब रियल करना, अभी इनको कहीं लेके जाना नहीं, पांच मिनट में सब उतारने लगेंगी, वो सबको पता है कि लास्ट में सेटिंग स्प्रे हमें देना ही देना है, फिक्सिंग स्प्रे, इससे हमारा मेकअप जो है लॉक हो जाएगा।
हेलो मैम, मैम नीचे अंडरटोन में क्या करेंगे? सेम ऐसा होगा, बस फाउंडेशन का जो कलर है वो येलो के बदले न्यूट्रल वाले हल्के से जो कम येलो होगा, जो बीच का होगा, कूल अंडरटोन भी नहीं लगेगा, पिंक जो है येलो अंडरटोन भी नहीं लगेगा, बीच का जो फाउंडेशन है कंसीलर में भी सेम वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें हमारी एक दर्जन चूड़ी ला लो अंशु के यहाँ से, लाल लाल लेकिन मेटल पे ही मिलेगी, लाल लो भी हाँ, थोड़ा 10 मिनट रुकना पड़ेगा तो कुछ काम हो तो कल इसमें क्लास चल रही है ना, तो उसमें बस लुक दिखाना था, बाकी रियल नहीं है, बाकी सुंदर है ऑलरेडी। अच्छा तो वो है ना आगे लगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं सोशल कर देना हेलो एवरीवन। हाँ हाँ बोलिए। हेलो मैम, कुछ साइड वाला लाइट ऑफ कर लें। ये क्या चीज लाइट वाला पिंक नहीं लगाना है, थोड़ा सा मीडियम जो पिंक होता है, बहुत ज्यादा जो हल्का वाला होता है वो बहुत उभर